हेलो एवरीवन, दिस इज मंची मुगी। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स असाइनमेंट 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। इसका फर्स्ट पार्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन इंटीजर फोर। अब देखो यहाँ पे हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप 1.3 करने से पहले मेरी इंट्रो जरूर देख लेना, इसकी 1.3 की इंट्रो है, उसकी वीडियो आप जरूर देखकर आना, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगी, अदरवाइज आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड इन इंटीजर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डिवीजन, कि डिवीजन में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती है, ठीक है। एडिशन में करती है, क्योंकि जब हम दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर इंटीजर ही आता है। मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा आंसर इंटीजर आता है, सबसेक्शन करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आता है, इंटीजर ही आता है, पर डिवीजन में ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिवीजन। नेक्स्ट है हमारा द इंटीजर वन इज द आइडेंटिटी फोर। अब यहाँ पे भी इंट्रो में ही पता लगेगा आपको कि यहाँ पे वन इज आइडेंटिटी, वन किसकी आइडेंटिटी है, यहाँ पे आंसर आएगा मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब है कि वन को किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करो, या किसी इंटीजर को वन से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर हमारा वो इंटीजर खुद ही आता है, ए मल्टीप्लाई वन या वन मल्टीप्लाई ए, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी ऑफ वन, ठीक है। तो ये आप इंट्रो देख लेना, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 5 × -3, एक इंटीजर हमारा नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15। -3 × 5 यहाँ भी आ गया -15, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स ये हमारी क्या आ गई, ट्रू। नेक्स्ट 545 × 0 = 545। अब आपको इंट्रो में बताया आपने कि जब हम किसी भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है, जीरो। इन्होंने क्या बताया, 545, इट मीन्स ये क्या आ गया हमारा, फॉल्स। लेट सी थर्ड पार्ट, -3 × 4 + -6 = -3 × 4 -, ठीक है। हमें ये स्टेटमेंट दी है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा क्या था फॉर्मूला, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। अगर यहाँ पे हमारा प्लस है बीच में, तो यहाँ भी प्लस है हमारा। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, -3 × अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा, 4 + -6। अब यहाँ पे अगर प्लस है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग -3 × 4 ये चीज सही है, -3 × 4 + यहाँ पे क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, -3 × -6 ये भी सही है। तो ये जो माइनस है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर, हाँ जी। अब ये फोर्थ पार्ट देखो, -7 × 1। अब एक नेगेटिव नंबर है हमारा, एक पॉजिटिव है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -7। इन्होंने क्या लिखे, 7, तो इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग ये क्या है, फॉल्स, ठीक है। इसके बाद देखो -5 × -2। अब दोनों जो इंटीजर्स हैं, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी तो हमारा इंटीजर ही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ट्रू, इसके अकॉर्डिंग ये ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर -7 आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, और ये क्या कह रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव, +7 है, तो इट मीन्स ये फॉल्स है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने इस तरह से ग्रुप में अरेंज करना है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है, कि और जल्दी से हो जाए। तो आपको भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या था इसमें,
ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब यहाँ पे जो ए है हमारा बाहर ब्रैकेट के, इसको पहले हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ए को सी से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है। ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको इस तरह से सोचो कि ये नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो अगर हम ए बाहर ले लें, ए मल्टीप्लाई हमने बाहर ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, बी प्लस सी। तो सेम चीज यहाँ है, देखो 235 मल्टीप्लाई 99 प्लस 235 मल्टीप्लाई 1। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है कॉमन, 235 हमने बाहर ले लिया, ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, 99 प्लस 1 हो गया। एकदम क्विकली हमारी ग्रुपिंग हो गई और अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। 99 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास, 100। अब 235 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 235 बन जाए 235। अभी जो 2 जीरोस है इसके साथ, ये यहां आ गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 23500। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। 235 इंटू 499 इंटू 0। अब इन्होंने ग्रुप जो है फर्स्ट टू टर्म्स को इन्होंने मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद लास्ट में इन दोनों को ग्रुप में रख दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग क्विकर ग्रुपिंग। इस तरह से हमें ग्रुप बनाना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी हो जाए, क्विकर मेथड से हो जाए। तो हम इसमें क्या करें, ध्यान से देखो क्या करें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो अगर हम इन दोनों को ग्रुप में कर दें, ठीक है, और किसी भी नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, जीरो। तो 235 इंटू जीरो कितना आ जाएगा, जीरो हो गया जल्दी से मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, 27 इंटू माइनस 8 प्लस 27 इंटू माइनस 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 27 मल्टीप्लाई। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, अगर हमें 27 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 8, ये वाला प्लस यहाँ आ गया, 27 मल्टीप्लाई बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 10, ठीक है, 27 इंटू बाहर ले लिया हमने तो माइनस 8 प्लस माइनस 10 ये हमारे पास अंदर बच गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस दोनों साइन आमने सामने हैं, अलग अलग डिफरेंट साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे जो हमारे डिजिट्स हैं वो प्लस हो गए बट साइन हमारा माइनस कर रहा। अब 27 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो कर लेते हैं, 27 मल्टीप्लाई 18 कितना आ गया हमारा आंसर, 486। अब यहां माइनस का साइन है और यहां पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, साइन किसका आ गया, माइनस का, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 486। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। जो मैं नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हमें बताना है कि क्या ये फॉल्स है या ट्रू है। तो फर्स्ट हमारी माइनस 16 डिवाइड बाय माइनस 1, माइनस 16 डिवाइड बाय माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया। जब हम 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, माइनस 13, तो ये हमारा क्या आ गया, फॉल्स, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखो, माइनस 15 डिवाइड बाय 0। अब आपको बताया था मैंने इंट्रो में कि जब हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर नॉट एग्जिस्ट आता है। क्यों आता है, क्योंकि कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने 15 को जीरो से डिवाइड करते हैं तो जीरो वन जा जीरो,
फिर वन आ गया। जीरो वन जा जीरो, जीरो का टेबल क्या होता है, जीरो वन जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो फोर जा जीरो, तो जीरो के टेबल में जीरो ही आता है और ये डिवाइड होता ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो वन ही आई जा रहा है, वन ही डिवाइड नहीं हो रहा तो फाइव की तो भी टर्न ही नहीं आई, तो इसका आंसर आ जाता है नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। तो इन्होंने क्या लिखा है, डिवाइड बाय जीरो माइनस फिफ्टीन डिवाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, जीरो डिवाइड बाय माइनस इलेवन, किसी भी नंबर को, सॉरी जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जब हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ क्या लिख दिया, माइनस इलेवन, तो दिस ऑल्सो फॉल्स। अब यहां देखो माइनस नाइनटीन डिवाइड बाय नाइनटीन, माइनस नाइनटीन डिवाइड बाय नाइनटीन, नाइनटीन वन जा नाइनटीन, और ये माइनस का साइन वन टाइम है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस वन। और क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ, माइनस वन, इट मीन्स दिस इज ट्रू। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है टेन इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स, इन्होंने क्या किया, जो लास्ट वाले टू डिजिट्स हैं इनको अलग से ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। अब आपको इंट्रो में मैंने बताया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इन्होंने एसोसिएटिव लॉ बोल दिया यहाँ पे। तो इसमें क्या था, हमारे पास तीन इंटीजर हैं, कोई भी तीन इंटीजर हैं, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि हम इनको किस तरह से एसोसिएट करते हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में सी को मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले बी एंड सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ के अंडर आ जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, टेन को हमने बाद में मल्टीप्लाई किया। पहले इन्होंने कहा कैलकुलेट, तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ। लेट्स सी, अब माइनस से माइनस कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फाइव सिक्स थर्टी, टेन इंटू थर्टी थ्री हंड्रेड, ये हमारा आंसर आ गया। पहले उसने बोला कैलकुलेट, ये कैलकुलेशन होगी, इसके बाद हमने वेरीफाई करने, तो वेरिफिकेशन बाय एसोसिएटिव लॉ। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। अब एसोसिएटिव लॉ में हमें क्या करना है, इसकी जो ग्रुपिंग है वो चेंज कर देंगे, 10 इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स, यहाँ पे हमारे पास तीन इंटीजर हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर ग्रुपिंग चेंज कर दें, इन्होंने माइनस फाइव और माइनस सिक्स को पहले मल्टीप्लाई किया था, हमने 10 और माइनस फाइव को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या करना है, 10 फाइव जा फिफ्टी, यहाँ पे वन टाइम माइनस है, इंटू माइनस सिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हमने 10 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया, 50 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, 5 6 जा 30, और 50 के साथ 5 के साथ ये जीरो है, ठीक है। 50 6 जा 300, मतलब ये वाली जीरो यहाँ आ गई, 5 6 जा 30 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 300। अब देखो पहले हमारा आंसर कितना आया था, 300, जब हमने इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, एसोसिएशन हमें जो डिजिट्स है, जो इंटीजर्स हैं उनको एसोसिएट कर दिया, उनकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, फिर भी हमारा आंसर 300 आ रहा है, तो ठीक है, होगी वेरिफिकेशन। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट, माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में हमें माइनस फोर से करना है, तो माइनस से माइनस कट गया, फाइव थ्री जो फिफ्टीन, फिफ्टीन फोर जो सिक्सटी, और ये जो माइनस है यहाँ आ गया, इसके साथ 60 के साथ माइनस आ गया। अब हमें इसकी क्या करनी है, वेरिफिकेशन बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, ये तीन हमारे पास इंटीजर हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग चेंज करनी है एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग,
पहले इन्होंने 5, 4, 3 की ग्रुपिंग करी थी, हम क्या करेंगे यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग चेंज कर देंगे। फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। -5 × माइनस से माइनस कट गया, 3 × 4 = 12, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 4 = 12, तो 12 × 5 = 60। अब यहाँ पे 1 टाइम माइनस है तो यहाँ पे आ गया -60। अब देखो हमारा आंसर यहाँ -60 आएगा, ठीक है। जब हमने इसकी वेरिफिकेशन करी, इसका हमने एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसका ग्रुप चेंज कर दिया, देन ऑल्सो इट्स आंसर इज -60। होगी वेरिफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट साइड ले लो, इसको राइट हैंड साइड ले लो, जैसे -60 इज इक्वल टू -60। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अब मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। अब इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं और 3 हमारे क्या होते हैं यहाँ पे इंटीजर्स, तो इसमें मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, मतलब जो नंबर बाहर है उसको पहले हम फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे और a को फिर हम c से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता है, ठीक है। ये होता हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ठीक। अब इसमें भी देखो यहाँ पे -5 है, -5 × 6 + -3, मतलब 6 और -3 ये 2 इंटीजर हैं, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और 3rd इंटीजर बाहर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इन्होंने बोला कैलकुलेट, तो पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 × अब देखो +6 + -3, तो ±, -6 − 3 = 3, −5 × 3 हमारा हो गया -15, 5 × 3 = 15 और इसके साथ ये माइनस यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया हमारा -15। अब जब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तब भी हमारा आंसर -15 ही आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिफिकेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, मतलब ये वाला आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। अब यहाँ पे क्या है हमारा -5 × 6 + -3, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो -5 है वो पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो -5 × 6 + यहाँ प्लस का साइन है, हमने प्लस का लगा दिया। अब -5 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, ठीक है। यही कह रहा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी, तो यहाँ पे -5 × 6 + -5 × -3, तो कैलकुलेट करते हैं 5, 6 = 30, यहाँ 5 के साथ माइनस है तो क्या आ गया -30 प्लस, यहाँ प्लस का साइन डाल दिया। अब ये दोनों नंबर्स जो है हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई है बीच में, तो ये माइनस इससे कट जाएगा और 5 × 3 = 15, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि 15 और 30 में जो बड़ा नंबर है वो 30 है और 30 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर में भी क्या आ गया हमारे पास -15। देखो सिंपली कैलकुलेशन की थी तब हमारा कितना आंसर आया था -15, और जब हमने इसकी वेरिफिकेशन की बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देन ऑल्सो आवर आंसर इज -15, तो ये होगी वेरिफिकेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी सेकेंड पार्ट, 4 × 3 + 8, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 + 8 = 11, 4 × 11 = 4 = 44, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है, अब हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हमारा क्वेश्चन है 4 × 3 + 8, तो इसमें क्या होगा 4 × 3 + 4 × 8, 4 × 3 + 4 × 8
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, 4 3 12, 4 8 32, 12 + 32 कितना आ गया हमारे पास 44। अब देखो आंसर 44 इक्वल है, इट्स ओके। नाउ थर्ड पार्ट, 8 × -3 + 2, पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं हम, ठीक है, बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग पहले हमारा ब्रैकेट ऑफ होता है। यहाँ पे भी हमने पहले प्लस किया, ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स हैं उनमें साइन के अकॉर्डिंग हमने इसको प्लस कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, -3 + 2, माइनस प्लस 3 × 3 - 2 कितना आ जाएगा 1, और इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 और -3 में 3 बड़ा है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ आ गया -1, तो हमारा आ गया -8। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आंसर आ गया हमारा -8। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, (8 × -3 + 2) डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, 8 × -3 + 8 × 2, 8 3 = 24, 3 के साथ माइनस है तो यहाँ पे -24, 8 2 = 16, -+ −24 में से अगर हम 16 माइनस करें तो हमारा आंसर आ गया 8, क्योंकि 24 बड़ा है दोनों में, 16 और 24 में 24 बड़ा है, तो 24 के सामने माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आ गया -8। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया था, -8, और यहाँ भी हमारा आंसर आ गया -8। योगी वेरिफिकेशन, लेट्स सी फोर्थ पार्ट, -6 × -5 + -15। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, -6 × -5, अब प्लस माइनस इकट्ठे साइन है, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं डिजिट्स और साइन माइनस का रहते हैं। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट गया क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, 6 2 = 12, और ये वाले 0 यहाँ आ गए, तो कितना आ गया हमारा आंसर 120, ठीक है। अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन में पहले सेम क्वेश्चन उतारेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, -6 × -5, बीच में प्लस है, -6 × पहले -6 को हमने -5 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ भी प्लस का साइन लगा दिया, फिर हम -6 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये दोनों माइनस के साइन है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस कट गया, 5 6 = 30, अब यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब 6 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 6 = 90, 30 + 90 कितना आ गया हमारे पास 120, आंसर सेम आता है, देन आवर आंसर इज ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा -1 × अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट ऑफ करना है हमें, -4 + 6, तो -+ −6 − 4 = 2, -1 × 2 तो -2 आ गया यहाँ पे आंसर, -2 आंसर आ गया। अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अब वेरिफिकेशन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, -1 × -4 + 6, ये हमने ये वाला क्वेश्चन उतार लिया यहाँ पे। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, -1 × -4, यहाँ प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा दिया, अब -1 × 6, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम यही करते हैं कि बाहर जो नंबर है वो अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 1 = 4, +−−6 1 = 6, अब 4 − 6 कितना आंसर आ गया हमारा 2, अब दोनों में 6 बड़ा है, 6 के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ -2,
देखो यहाँ भी हमारा माइनस टू आ रहा है और ये भी हमारा आंसर माइनस टू आ रहा है, इट मीन्स आवर वेरिफिकेशन इज करेक्ट। अब करते हैं 456 इंटू 101, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है 101 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, जल्दी बताओ 100 आ गया। अब हम 456 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने इसकी क्या करनी है वेरिफिकेशन, यहां कर लेते हैं, वेरिफिकेशन के लिए पहले सेम क्वेश्चन बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना है, 456 मल्टीप्लाई 101 प्लस 456 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब 456 को 101 से हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 से, फिर 1 से, तो हमारा आंसर आया 46056 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 456 मल्टीप्लाई 1 456, अब 456 को इसमें से माइनस कर देते हैं, तुम्हारा आंसर आ गया 45600। अब दोनों आंसर्स को मिलाओ, सेम है, इट मीन्स हमारी वेरिफिकेशन भी करेक्ट।